जहाँ पर तमिल इंडस्ट्री से सक्सेसफुल पैन इंडियन सुपरस्टार है थलेवर रजनीकांत और यूनिवर्सल स्टार कमल हसन ने। और नेक्स्ट तमिल से कौन पैन इंडियन स्टार बनने वाले हैं उसके बारे में आज मैं एक डिस्कशन करने वाली हूँ। दोस्तों अगर आप हो फिल्म लवर तो वीडियो शुरू से तक जरूर देखिए और एक लाइक भी करिए। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर वन विक्रम। और विक्रम का साउथ के साथ ही साथ नॉर्थ पे भी एक अलग फैन बेस है, स्पेशली जिन लोगों ने विक्रम का फिल्म अपराजित और आई देखा है। और विक्रम का करियर में पहली बार के लिए फर्स्ट पैन इंडियन फिल्म आ रही है पुन्नियन सेल्वन, और जो एक एपिक हिस्टोरिकल वॉर एक्शन फिल्म होगा और जहां पर कार्तिक के साथ चिया विक्रम, ऐश्वर्या, जैम रवि, त्रिशा लीड रोल में नजर आएंगे। और बता दोस्तों इसी फिल्म के साथ सिर्फ चिया विक्रम नहीं बल्कि कार्तिक और जैम रवि भी पैन इंडियन सुपरस्टार बनने वाले हैं। और बता दोस्तों जहाँ पर यह फिल्म अभी मोस्ट हाइप वाला अपकमिंग प्रोजेक्ट बन गई है और जो इंडिया का वन ऑफ द हाई बजट वाला फिल्म भी है, जहाँ पर इसका बजट रखा गई है 500 करोड़ और जहाँ पर इस फिल्म के स्क्रिप्ट लिखने में लगभग 5 साल लगा है। और हमें उम्मीद है कि ये फिल्म इंडियन सिनेमा पे एक अलग हिस्ट्री लिखने वाला है। नंबर टू शिवा कार्तिकेयन। और शिवा ने बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रही है और हिंदी ऑडियंस ने ऑलरेडी शिवा का फिल्म देखा है और उनको काफ़ी पसंद भी करते हैं। और शिवा का कैरियर में पहली बार के लिए पैन इंडियन फिल्म आ रही है आयलन, और जो एक अपकमिंग साइंस फिक्शन फिल्म होगा जहाँ पर शिवा के साथ राकुलप्रीत सिंह को लीड रोल में नजर आएंगे। और इसमें एक एलियन से जुड़ा का शिवा का कहानी को दिखाया जाएगा और जहाँ पर इस फिल्म पर होगा VFX का कमाल का इफेक्ट। नंबर थ्री थलपति विजय। और सबके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि विजय का फिल्म 20 तो पैन इंडिया पर रिलीज हुआ था तो फिर विजय इस लिस्ट पर क्यों है। बता दो दोस्तों जहाँ पर पैन इंडियन पर रिलीज देना और पैन इंडियन लेवल पर फिल्म सक्सेसफुल होना दोनों के बीच में कई फर्क है, और इसी वजह से हम चाहते हैं कि थलपति विजय एक सक्सेसफुल पैन इंडियन सुपरस्टार बने, इसी वजह से इस लिस्ट पर उनका नाम शामिल है। और बीस्ट की बात उनका कैरियर में नेक्स्ट पैन इंडियन फिल्म आ रही है थलपति 67, और जो गैंगस्टर जेनी का फिल्म होगा सभी लोग जानते हैं कि ये फिल्म लोकी यूनिवर्स का एक पार्ट है, यानी कि इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं लोकेश कनगराज ने, और इसमें विजय का होगा फुल डार्क रॉ एफ्टर। तो सबको क्या लगता है, क्या थलपति विजय नेक्स्ट पैन इंडियन सुपरस्टार बन पाएगा या नहीं। नंबर फोर मारा सूर्या। और सूर्या ने रिसेंटली पैन इंडियन फिल्म विक्रम पे 5 मिनट का कैमियो देकर तूफान लाई है सोशल मीडिया पर, और जहाँ पर उनका इथारकुम थुनिन धवन भी एक पैन इंडियन फिल्म था पर जो पैन इंडियन फिल्म पे सक्सेस हासिल नहीं कर पाया, पर अभी उनका अपकमिंग पैन इंडियन फिल्म आ रही है वन एंड गन, और जिसको डेट करेगा 6-time नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर बाला ने। और जहाँ पर मारा सूर्या और डायरेक्टर बाला का लगभग 18 साल के बाद ये कोलाब्रेशन होगा, और जहाँ पर सूर्या के साथ कृति शेट्टी को नजर आएंगे, और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें सूर्या को काफ़ी डिफरेंट एक्टर में दिखाया जाएगा। नंबर फाइव अजीत कुमार। जहाँ पर ऑलरेडी थला अजीत ने वाले माई को पैन इंडिया पे रिलीज किया था पर जो नॉर्थ पे अनसक्सेसफुल रहा, और इसके बाद उनका नेक्स्ट पैन इंडियन फिल्म आ रही है AK-61, और इसको भी डेट करी है वाली माई का डायरेक्टर एच विनोद ने, और इसमें थला अजीत के साथ मांजू वारियर को लीड रोल में नजर आएंगे, और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें अजीत को एक प्रोफेसर के रूप में दिखाया जाएगा। नंबर सिक्स धनुष राजा। जहाँ पर धनुष सिर्फ साउथ नहीं बल्कि इंटरनेशनल और साथ में बॉलीवुड में भी अपने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस देकर सबको किया है इम्प्रेस, और धनुष का कैरियर में फर्स्ट पैन इंडियन फिल्म आ रही है डेटा शेखर कमुला के साथ, और जो एक अपकमिंग थ्रिलर फिल्म होगा जहाँ पर धनुष को काफ़ी थ्रिलिंग एक्टर में दिखाया जाएगा। नंबर सेवन विष्णु विशाल। जहाँ पर विष्णु को ऑलरेडी हिंदी ऑडियंस ने पहचानता है उनका फिल्म रात सेशन की वजह से, जहाँ पर विष्णु का ब्रिलियंट परफॉर्मेंस और फिल्म का थ्रिल सबका दिल जीत लिया था, और अभी उनका कैरियर में फर्स्ट पैन इंडियन फिल्म आ रही है रात सेशन 2, जो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है, और जहाँ पर और एक बार विष्णु को सब इंस्पेक्टर अरुण कुमार के रोल में नजर आएंगे। नंबर एट संदीप किशन। संदीप को जहाँ पर हिंदी ऑडियंस ने उनका मायावन फिल्म के लिए पहचानता है, और अभी जाके उनका कैरियर में फर्स्ट पैन इंडियन फिल्म आ रही है माइकल, जो एक अपकमिंग एक्शन फिल्म होगा जहाँ पर संदीप को लीड रोल में नजर आएंगे, और एक स्पेशल कैमियो पर देखने को मिलेगा माइकल सेल्वन विजय सेतुपति को, और जहाँ पर इसमें संदीप को काफ़ी इंटेंस एक्टर में दिखाया जाएगा। नंबर नाइन आर्या। और जहाँ पर तमिल का यंग एक्टर के बीच में
आर्या काफ़ी पॉपुलर है और आर्या का कैरियर में फर्स्ट पैन इंडियन फिल्म नहीं बल्कि एक वेब सीरीज आ रही है और जो है द विलेज, और इसको डेट करी है मिलिंद राव ने। और तो दोस्तों, ये इंडिया का फर्स्ट शो होगा जहां पर ग्राफिक नॉवेल द विलेज की स्टोरी को दिखाया जाएगा और ये सीरीज अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगा। दोस्तों ये रहा नेक्स्ट पैन इंडियन सुपरस्टार के बारे में तमिल इंडस्ट्री से। तो आपको क्या लगता है इस लिस्ट पर कौन से एक्टर बनने वाले हैं नेक्स्ट पैन इंडियन सुपरस्टार, कमेंट पे बताइए। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिए और इसके बॉलीवुड साउथ इंडियन अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।